रतलाम के जावरा में एक लावारिस रजाई ने खोला चोरी का राज। लहसुन मंडी में किसानों के ट्रैक्टर की बैटरियां की चोरी। वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। जावरा की लहसुन मंडी में खड़े किसानों के ट्रैक्टरों में लगी बैटरियां चोरी होने की वारदात हुई थी। अज्ञात चोर 5 बैटरियों सहित टेप रिकॉर्डर चुरा के ले गए थे। इस वारदात में किसानों में आक्रोश फैल गया था। किसानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंडी में खूब हंगामा किया। तब पुलिस प्रशासन ने किसानों को शांत करते हुए जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की बात कही थी। जावरा शहर पुलिस ने चोरों की खोज शुरू की और एक लावारिस मिली रजाई के सहारे पुलिस ने बैटरी चुराने वाले को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने रजाई लेने वाले कन्हैयालाल और दिनेश दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बैटरियाँ चुरा कर रतलाम के महू रोड स्थित एक दुकानदार को बेचना कबूला है। पुलिस ने रतलाम में वारिस इलेक्ट्रॉनिक से बैटरियां और टेप रिकॉर्डर बरामद कर दुकान संचालक सद्दाम बेग को गिरफ्तार किया है। मंदसौर से संवाददाता की रिपोर्ट। 22 तारीख को रात में लहसुन मंडी प्रांगण में किसानों के ट्रैक्टर खड़े हुए थे, उसमें से 5 बैटरियां चोरी की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उसमें से मंडी से संबंधित लोगों, किसानों और नेताओं द्वारा आपत्ति दिखाई गई थी। सरकारी मौके पर पहुँचकर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था। उसी तारतम्य में टीम का गठन कर आस पास के वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर लोगों का पता किया कि संदिग्ध सामने आए, उनकी थोड़ी फीस निकाली और पूछताछ पर उनके द्वारा घटना को स्वीकार किया गया और चोरी गई माल मसलुका में 5 बैटरियां और एक टेप रिकॉर्डर उनके द्वारा जब्त, उनके माध्यम से जब्त हुआ है। तो उन्होंने घटना में जो वाहन उपयोग किए थे वह भी जब्त कर लिए गए। कितने वाहन उपयोग किए? एक मोटरसाइकिल और एक फोर व्हीलर इको वैन। उनके द्वारा बैटरियाँ रतलाम में बेची गई थी, वहाँ से एक बैटरियाँ 4 बैटरियाँ वहाँ से जब्त कर ली गई हैं। एक बैटरी कितने तक जिस दुकान पे ये बैटरियाँ परचेज की उन्होंने, उनको भी क्या अपराधी बनाया? हाँ यस, उनको भी अपराधी बनाया गया। कुल कितने अपराधी हैं? 3 अपराधी। इनके पूर्व में भी कोई मामला कुछ पदस्थ थाना खाचौक में ऐसा सुनने में आया है। इसके संबंध में अभी रिपोर्ट मंगाना शेष है और अन्य चोरी घटनाओं के बारे में तो पूछताछ की जा रही है। संभावना है कि अन्य चोरी भी उनसे मिल सकती है। पूर्व में भी ट्रैक्टर चोरी हुआ था, उसका खुलासा कुछ हुआ? नहीं, अभी संबंध में पूछताछ नहीं आया। बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।